लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यात्रा में आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ठंड का प्रकोप है, लेकिन ठंड लोगों में कहीं भी इसकी कमी देखने को नहीं मिल रही है कि ठंड की वजह से लोग रुके हों। लगातार लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग शामिल भी नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर जनसैलाब बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो आपको अपडेट दे दें कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं और यात्रा करीब 10:30 बजे जयदेव आश्रम आश्रम चौक के पास पहुंचेगी और करीब 4:30 बजे लाल किले पर जाएगी। यात्रा के दिल्ली आने पर राजनीति भी अब शुरू होती नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तस्वीरों के जरिए लोगों में उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है और इसी के साथ ही नियमों का पालन करते हुए भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, जहां पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल है। लाइव तस्वीरें देखिए आप। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया है और इसके साथ ही इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट से, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही बताया गया था कि ट्रैफिक नियमों का भी पूरी तरह से इसमें पालना की जा रही है और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अब मोहम्मद की आवाज़ और भारत के लोगों के मैसेज को दिलवालों की नगरी यानी कि दिल्ली तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे शब्दों का नोट कर लें, राहुल गांधी ने कहा था कि आपकी नफरत को हमारा प्यार काटेगा। तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा इसको लेकर कि आपकी नफरत को हमारा प्यार काटेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी ने कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप इस आवाज़ को ज़रूर सुने, यह आपके अहंकार को चकनाचूर कर देगा और नफरत की उस आग को बुझा देगा जिसे आपने 8 साल से ज़्यादा समय तक पाला है। तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 30,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं जबकि अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। साथ यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है और भारी जनसैलाब यात्रा में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए आप लाइव। तो दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे हम, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। भारी जनसैलाब जो भारत जोड़ो यात्रा में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठंड के बीच भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इसके साथ ही जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तो राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी अपना दम दिखाएंगे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। जनसैलाब जो है भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार ट्रैफिक नियमों की भी एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि राहुल की यात्रा में बड़ी संख्या में पैदल यात्री और वाहनों के शामिल हुए हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है और भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है और ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें और जाने आने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग भी करें। तो भारत जोड़ो यात्रा
में एडवाइजरी भी जारी की गई है ट्रैफिक को लेकर। राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा का जोश जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और कोरोना की चेतावनी के बीच यात्रा अब दिल्ली में भी एंट्री कर चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और इसी के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा जहां पर राहुल गांधी अपना दम दिखाएंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि आज राहुल गांधी लाल किले पर संबोधित भी कर सकते हैं शाम करीब 4:30 बजे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और बता दें आपको कि इसको लेकर लगातार जो तैयारियां थी वो की जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए थे। और इतना ही नहीं, जानकारी आपको दे दें कि भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से इंतजाम किए गए। और बता दें आपको कि भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बात करें अगर प्रभावित सड़कें की और स्थान की तो बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट और मेहरोली बदरपुर रोड, अपोलो फ्लाईओवर, मथुरा रोड, CRRI रेड लाइट, कई जगह ऐसे प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो गई हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिल रही है। तो कोरोना की चेतावनी के बीच भारत जोड़ो यात्रा लगातार देखने को मिल रही है, लगातार इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा लगातार देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सावधानियां भी बरती जा रही हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जा रहा है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा शामिल होती हुई दिखाई दे रही है और भारी जनसंख्या यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपको हर एक अपडेट मिलेगी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।